हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट था, पेपर फर्स्ट की क्लास में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर चर्चा कर रहे हैं। अब प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत में हम अपने आधी क्लास को में आज जो पढ़ेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण का जो उसने एक जो स्ट्रक्चर हमको दिया है वो किस प्रकार का है, ये हमने समझ लिया है कि जिस प्रकार आत्मा में तीन गुण होते हैं, वासना, साहस और विवेक, और उसी प्रकार राज्य को उत्पत्ति भी तीन तत्वों के आधार पर ही हुई है, जिसमें पहला तत्व जो वासना या शुद्धा से संबंधित है जिसको आर्थिक तत्व की संज्ञा देता है, दूसरा साहस और शौर्य जिसको आत्मा का गुण बताता है उसके लिए वो राज्य के लिए सैनिक तत्व का शब्द की संज्ञा देता है, और तीसरा शब्द या आत्मा का जो गुण वो बताता है वो विवेक बताता है, उसको वो दार्शनिक तत्व की संज्ञा देता है। सबसे पहले आज हम पहले जिस पॉइंट पे चर्चा करे हुए हैं, इकोनॉमिक फैक्टर आर्थिक तत्व की चर्चा करेंगे। जब प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण की बात करता है तो सबसे पहले वो आर्थिक तत्व पर चर्चा करता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए आर्थिक संगठन या आर्थिक तत्व बहुत आवश्यक है, इसलिए वे सबसे पहले शुद्धा के तत्वों को ही राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपना अध्ययन प्रारंभ करता है। यहाँ वो कहता है कि आर्थिक तत्व से तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूर्ण नहीं कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसको अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होगी, और इससे समाज में एक श्रम का विभाजन और कार्यों का विशेषीकरण उत्पन्न होगा, क्योंकि मनुष्य की बहुत तरह की आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी नागरिक जो होंगे वो एक दूसरे को सहयोग देंगे और इस प्रकार से एक आर्थिक संगठनों का निर्माण होगा। क्योंकि इस कार्य में क्या होगा कि कुछ लोग कृषि का कार्य करेंगे, कुछ वस्त्र बनाएंगे, कुछ घर बनाएंगे, और वस्तुओं के विनिमय के द्वारा है ना एक संगठन की स्थापना होगी, और फिर उससे राज्य की का मार्ग बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। वो ये कहता है कि जिस प्रकार समाज में बढ़ई हैं, सोनार है, लोहार है, व्यापारी होते हैं, चिकित्सक होते हैं, अनेक वर्ग हैं जो कार्यों के आधार पर उत्पन्न होने, और ये जो सोसाइटी के जितने भी वर्ग हैं इन सब की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एका के रूप से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन अकेला नहीं कर सकता है, और ये जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होगी ये ही समाज का आधार होगी, और इसी पे सारा सामाजिक जो ताना बाना है या उसका पूरा सामाजिक जीवन है वो टिका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से समझाता है कि जब डिविज़न ऑफ लेबर हो जाएगा और या और विशेषीकरण से आएगा तो जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है, क्योंकि जिस कार्य में उसकी रुचि होगी उसी कार्य को करेगा, और जब वो एक ही कार्य को करने लगेगा तो उसमें उसकी अधिक योग्यता का विकास होगा। तो इससे सोसाइटी के अंदर वन मैन और वन जॉब का सिद्धांत प्रसारित हो जाएगा। और प्लेटो का इस संबंध में मानना है कि जो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सभी जो भी समाज के सोसाइटी के जितने भी वर्ग हों वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या सेवाओं की सर्विसेज के लिए एक आदान प्रदान की व्यवस्था को बनाएं। यहाँ वो ये कहता है कि राज्य को वो एक जैविक इकाई मान रहा है कि जिस प्रकार आत्मा के तीन गुण हैं उसी प्रकार राज्य के भी तीन तत्व उसे बता दिए। तो वो कह रहा है कि जब राज्य एक जैविक इकाई है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ठीक ढंग से करे, दूसरी बात उसको योग्यता के साथ करे, तो इससे सोसाइटी के अंदर एक जस्ट सोसाइटी की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि न्याय भावना के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेंगे तो सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी के रूप में सामने आएगी। प्लेटो के शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति या अपनी योग्यता के अनुकूल एक ही कार्य में लगाया जाए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करे, अनेक कार्य न करें, इससे सारा नगर राज्य एकता के सूत्र में बन जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है, दक्ष होगा, उस कार्य को अच्छे से करेगा, तो इससे दो बातें होगी, कार्य भी स्पेशलाइज तरीके से होगा, विशेषीकृत रूप से मिलेगा, और इससे कार्य विभाजन का जो सिद्धांत है कि सभी लोग अपने अपने कार्यों को करेंगे, इससे सोसाइटी के अंदर कोई भी
विघटनकारी व्यवस्था नहीं होगी, सब लोग इससे समाज के अंदर एकता स्थापित होगी। तो पहला तत्व जो हमने देखा कि प्लेटो के आदर्श राज्य में आर्थिक तत्व इम्पोर्टेंट है। दूसरा तत्व जिसको वो मानता है, जिसको वो सैनिक तत्व मानता है। अब आर्थिक तत्व राज्य के संगठन का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे लोगों के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और ये उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि होगी, तो उसके साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की भी आवश्यकता होगी। मतलब ये सारे तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब राज्य के अंदर सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की वृद्धि होने लगेगी या उनकी जनसंख्या बढ़ने लगेगी, तो वो राज्य पड़ोसी राज्यों के भूभाग की ओर देखने लगेगा, जिसका परिणाम युद्ध होगा। तो ये जो वासना या शुद्धा है, ये युद्ध का कारण बनेगी। तो एक राज्य को अगर अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उनको एक पर्याप्त भू क्षेत्र देना है और उस पर अधिकार बनाए रखना है, तो युद्ध की संभावना बनेगी। और युद्ध की संभावना जब बनेगी, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसे नागरिकों की भी आवश्यकता होगी जिनमें उत्साह या स्पिरिट या जो शूरवीरता होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रकार राज्यों में एक सैनिक वर्ग का आविर्भाव होगा, जिसको युद्ध करना बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा वर्ग होता है जिसको अपने सोसाइटी से भी प्यार होता है, वो उससे प्रेम करता है सोसाइटी से, और उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। यहाँ एक बात और हो सकती है कि विशेषीकरण का जो सिद्धांत है प्लेटो का, कि जो जिन व्यक्तियों में, जिन नागरिकों के अंदर शौर्य या उत्साह हो, शूरता हो, है ना, शूरवीरता के गुण हो, वो उस कार्य को विशेषीकरण के आधार पर करेंगे, तो अपने आप ही राज्य में एक सैनिक दल बन जाएगा जो राज्य की भी रक्षा करेगा और दूसरा राज्य के प्रदेश का जो स्थिति दल का विचार, जो विस्तार का जो विचार है, उसको आगे बढ़ाएगा। तो प्लेटो का यहाँ पे मानना है कि अब सैनिक वर्ग में कौन से लोग लिए जाएंगे, वो ऐसे लोग लिए जाएंगे जो युद्ध में भी रुचि रखते हो और जिनमें उत्साह भी हो, और यहाँ उनके लिए वो प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। तो दूसरी बात हम देखते हैं जो हमारे पहले ही पॉइंट से जुड़ी हुई है, कि आर्थिक तत्व जब शुद्धा और आवश्यकताओं की जब बात होगी, तो उससे दूसरी बात यह आएगी कि ऐसे जगह में हमको सैनिक तत्व की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब राज्य का भूभाग बढ़ने लगेगा तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके एक्सपेंशन के लिए हमको सैनिकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात यहाँ पे प्लेटो अपने आदर्श राज्य के निर्माण में बात करता है दार्शनिक तत्व की, कि राज्य, उसके राज्य निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जो हमें मालूम है विवेक या बुद्धि से संबंधित है। प्लेटो का मानना है कि ये जो सैनिक वर्ग था, जो दूसरे तत्व की जवानी, उसमें विवेक भी मिलता है, या जिनके अंदर विवेक की प्रधानता है उनमें सैनिक शौर्य तक की भी तत्व भी प्रधानता होती है। और यहाँ पे ये जो हमको कह सकते हैं कि यहाँ पे संरक्षक वर्ग जो है, ये दो प्रकार का मान लिया हमने, जिसमें सैनिक वर्ग भी होगा और दार्शनिक वर्ग भी होगा। यहाँ प्लेटो कह रहा है कि जो विवेक जिनके अंदर है, वो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व मान रहा है वो, क्योंकि कि जो विवेक संपन्न जो नागरिक होंगे या जो दार्शनिक होंगे, वो बहुत लिमिटेड होंगे, क्योंकि ये सबके अंदर विवेक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से समूचा राष्ट्र दार्शनिकों का राष्ट्र नहीं हो सकता, और दार्शनिकों के लिए उन्होंने एक पूरी शिक्षा योजना उसने स्थापित कर रखी है। प्लेटो यहाँ पे कहता है कि ये जो दार्शनिक शासक हैं, इनके अंदर न्याय और संयम का गुण होना चाहिए। अब वो कहता है कि इन दो गुणों से क्या होगा, कि पहली बात कि विवेक से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान होगा और दूसरी तो उसके अंदर न्याय की स्थापना कर पाएगा वो। दूसरी बात, उसमें संयम भी होना चाहिए और उसको सोसाइटी के लिए स्नेह भी होना चाहिए, क्योंकि जब संयम होगा उसकी आवश्यकताएँ सीमित होगी, उसके पास अपने परिवार नहीं होगा, उसके पास अपनी संपत्ति नहीं होगी, तो जितने भी प्रजा या जो भी नागरिक होंगे उन सब के लिए उसके अंदर स्नेह का गुण होगा। तो ये जो फिलोसोफर किंग होंगे, जो दार्शनिक राजा हैंगे, प्लेटो का मानना है कि उसके जो पूरी राज्य की, उसकी जो आदर्श राज्य की जो योजना है, ये सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट तत्व है, या एक तार्किक रूप से अगर वो उनको बहुत स्वाभाविक मानता है। कल आगे की क्लास में हम आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि आदर्श राज्य के जो वर्ग हैं,
इनके बारे में हम और विशेष चर्चा करेंगे। थैंक यू।